मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे भारतेंदु मंडल के ही एक अन्य प्रसिद्ध कवि राधाचरण गोस्वामी की। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु मंडल के अन्य कवियों की ही भांति बहुत प्रसिद्ध थे। ये एक नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज इन्हीं राधाचरण गोस्वामी की बात व्याख्यान में मैं करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 25 फरवरी 1859 ईस्वी में। कहाँ हुआ? वृंदावन में इनका जन्म होता है। वृंदावन में इनका जन्म होता है। और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था गुणमंजरी दास, जो कि गिल्लू जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। जो क्या थे? गिल्लू जी महाराज के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और ये क्या थे? गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। कौन थे? गिल्लू जी महाराज जो थे वो गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, कृष्ण भक्त थे, परंतु फिर भी धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता इनके विचारों में बिल्कुल भी नहीं थी। ये खुले विचारों के, स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। और वैसे ही खुले विचारों और स्वतंत्र विचारों का प्रभाव किस पर दिखाई पड़ता है? राधाचरण गोस्वामी पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। इनकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो घर पर ही हुई, क्योंकि इनके पिताजी गुणमंजरी दास जो थे वो भक्त कवि थे और संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे। और इनकी जो राधाचरण गोस्वामी जी हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा भी प्रारंभ में संस्कृत में ही शुरू हुई। बचपन में ही, बहुत छोटी आयु में ही इनको अनेक श्लोक जो हैं वो संस्कृत के कंठस्थ हो चुके थे। गुणमंजरी दास जो थे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे, परंतु गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य होने के बावजूद, धार्मिक नेता होने के बावजूद भी इनके विचारों में कहीं पर धार्मिक संकीर्णता नहीं थी, रूढ़िवादिता नहीं थी। इसका परिणाम क्या था कि इन्होंने अपने बेटे की प्रारंभिक शिक्षा तो संस्कृत में ही करवाई, परंतु अंग्रेजी सीखने के लिए इन्हें एक राजकीय स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। परंतु इनके जो शिष्य थे उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। वो नहीं चाहते थे कि इनका जो भविष्य का गुरु है वो मलेच्छों की भाषा सीखे, तो अपने शिष्यों के विरोध को शांत करने के लिए इन्हें जो है वो राधाचरण गोस्वामी जी को जो राजकीय स्कूल था, अंग्रेजी स्कूल था, उससे इनका नाम कटवा दिया जाता है। और फिर गोस्वामी जी अंग्रेजी शिक्षा को छिप छिपा कर सीखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, तो शिक्षा दीक्षा कुछ इस प्रकार से इनकी हुई थी। हाँ, और ये क्या थे? ये एक राष्ट्रीयता जो थी इनकी, या फिर यह कह लीजिए कि देशभक्ति की भावना इनमें बहुत अधिक प्रबल थी। ये कांग्रेस के सदस्य थे और उस समय के जो महान क्रांतिकारी नेता थे उनके प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। और उस श्रद्धा का परिचय ये जो हैं वो समय समय पर देते रहते थे। एक बार पंजाब केसरी लाला लाजपत राय वृंदावन आए, एक बार ही नहीं दो बार आए। दोनों ही बार इन्होंने क्या किया, चाहे ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, परंतु फिर भी इन्होंने लाला लाजपत राय की जो बग्घी के घोड़े थे उन्हें हटा करके स्वयं उनकी बग्घी को खींचा। तो वो क्या था,
वो इनका उनके प्रति श्रद्धा थी, उनके प्रति जो भाव थे वो प्रदर्शित करने का एक उनका नायाब तरीका था। ऐसे ही बहुत से जो क्रांतिकारी नेता थे वो इनके घर वृंदावन में जब जाते थे तो वो उनका बहुत दिल खोल कर के स्वागत करते थे, और स्वागत करते हुए कई बार इनकी आँखों में आंसू भी देखे गए हैं। बहुत कोमलता से, बहुत सहजता से, ऐसे लगता था इनको कि इनके घर में पता नहीं किसका पदार्पण हो गया है और उस भाव को ये कहीं पर भी समेट नहीं पाते थे। तो ऐसे भाव थे राधाचरण गोस्वामी के। राधाचरण गोस्वामी के विषय में एक और बात प्रसिद्ध है कि राधाचरण गोस्वामी ने खड़ी बोली का विरोध किया। ये ब्रज भाषा के सफल पक्षधर माने जाते हैं। खड़ी बोली को गद्य पद्य में प्रयोग करने के लिए जब अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा आंदोलन चलाया गया था तो उस आंदोलन का इन्होंने पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि खड़ी बोली पद्य में ब्रज भाषा का स्थान ले, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर खड़ी बोली में पद्य रचा जाने लगा तो धीरे धीरे जो है वो खड़ी बोली के स्थान पर उर्दू उसका स्थान ले लेगी, उर्दू प्रचलित हो जाएगी। तो इस कारण से ये क्या करते हैं, इस कारण से पद्य में खड़ी बोली का विरोध करते हैं। और अब इनके काव्य कृतियों की नहीं, इनके उपनाम की बात कर लेते हैं। ये मंजू उपनाम से कविताएं लिखते थे। मंजू उपनाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए तो मंजू उपनाम से कौन कविताएं लिखता था, तो लिखते थे राधाचरण गोस्वामी। जैसे कि अभ्र नाम से कविताएं करते थे, या अन्य कवियों के अनेक नाम मिल जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा नाम से करते थे और बद्री नारायण चौधरी अभ्र नाम से अपनी रचनाएं किया करते थे, उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद कलाधर नाम से करते थे, तो उसी प्रकार क्या है, राधाचरण गोस्वामी मंजू उपनाम से कविताएं लिखते थे, ठीक है। इनकी एक उपाधि थी, उपाधि की अगर बात करें तो इन्हें क्या विद्या बागीश कहा जाता था, विद्या बागीश। और ये उपाधि इन्हें किसने दी थी, ये उपाधि इन्हें दी थी वृंदावन के जो इनका जो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे, इन्होंने वृंदावन के संप्रदाय ने इन्हें क्या है, विद्या बागीश की उपाधि प्रदान की थी। क्योंकि इनके पिता की मृत्यु के पश्चात ये जो गौड़ीय संप्रदाय था वृंदावन में, इसमें क्या हो गया था, एक द्वेष कलह उत्पन्न हो गया था कि जो श्री कृष्ण की भक्ति है या फिर चैतन्य महाप्रभु की भक्ति है या व्रत हैं, वो किस प्रकार से किए जाने चाहिए, कृष्ण को आधार मानकर या चैतन्य को आधार मानकर, पता नहीं कुछ इस प्रकार से ऐसा द्वेष सा छिड़ गया था। और जिस द्वेष का निराकरण जो है वो राधाचरण गोस्वामी ने बहुत ही मतलब ये कह लीजिए कि तर्कपूर्ण ढंग से उसका समाधान कर दिया, जिसके कारण जो वृंदावन संप्रदाय के जो आचार्य थे उन्होंने इन्हें विद्या बागीश की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। तो अब हम इनकी काव्य कृतियों की बात कर लेते हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे, और कुछ काव्य कृतियां भी इन्हें इनकी मिल जाती हैं। तो काव्य कृतियों की बात कर लेते हैं। काव्य कृतियां तो कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं इनकी, एक तो नव भक्त माल है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पेपर में पूछ ली जाती है। इसमें क्या है, यह एक भक्ति परक रचना है,
भक्ति परक रचना है, ठीक है। क्या है? नवभक्तमाल भक्ति परक रचना है। एक मिलती है इनकी शिशिर सुषमा, शिशिर सुषमा, ठीक है। दूसरी एक और मिलती है इनकी, नंबर 3, इश्क चमन, इश्क चमन। इसमें क्या है? इसमें प्रेम संबंधी दोहे हैं। इश्क चमन में क्या है? प्रेम संबंधी दोहे हैं। एक मिलती है इनकी भारत संगीत, भारत संगीत, ठीक है, भारत संगीत, विधवा विधवा विलाप, ठीक है। ये क्या थी इनकी? ये इनकी काव्य कृतियां थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इनकी नव भक्त माल, इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। काव्य कृतियां, इसके बाद हम बात करेंगे इनके नाटकों की। नाटक, इन्होंने ऐतिहासिक और प्रहसन दो प्रकार के नाटक लिखे थे। ऐतिहासिक नाटक था इनका, एक तो था श्रीदामा, श्रीदामा या सुदामा भी कई जगह मिल जाता है, श्रीदामा या सुदामा। ऐतिहासिक नाटक था इनका सती चंद्रावती, सती चंद्रावती, जो कब लिखा गया? 1895 ईस्वी में। इसमें क्या है? इसमें औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय हिंदुओं पर, हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन है। इसमें अत्याचारों का मार्मिक वर्णन, अत्याचारों का मार्मिक वर्णन मिलता है। और तीसरा इनका मिलता है अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, ये भी क्या है? ये भी एक इनका ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। कौन कौन से नाटक हैं इनके? एक तो है सती चंद्रावती, श्रीदामा और अमर सिंह राठौड़। ये क्या है? ऐतिहासिक नाटक है, ये पौराणिक नाटक है। और चौथा इनका मिलता है प्रहसन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें है बूढ़े मुंह मुहासे, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, लोग देखे तमाशे। ये क्या है? ये प्रहसन है। क्या है ये? ये एक प्रहसन है, मतलब कि व्यंग्य नाटक है। और कब प्रकाशित हुआ ये? 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें क्या है? इसमें किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या पर ये प्रहसन आधारित है। इसमें क्या है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलकर जमींदार के प्रति विद्रोह करते हैं, और
जिस विषय के लिए विद्रोह करते हैं, जिस बात के लिए विद्रोह करते हैं, उस समस्या का समाधान भी वो अंत में कर लेते हैं। और इस नाटक के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि किसान चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों की एक ही समस्या होती है और एक ही तरह से उसका निराकरण भी हो सकता है। ठीक है, तो पांचवा था इनका तन मन धन। तन मन धन गुसाई जी के अर्पण, गुसाई जी के अर्पण, तन मन धन गुसाई जी के अर्पण। ये भी क्या था, ये भी एक प्रहसन है। और कब प्रकाशित हुआ था, ये भी प्रकाशित हुआ था 1886 ईस्वी में। तो ये क्या थे, ये थे इनके नाटक। कौन कौन से थे, श्रीदामा, सती चंद्रावती का प्रकाशित हुआ था 1895 में। क्या था इसमें, औरंगजेब के समय हिंदुओं पर जो अत्याचार किए गए थे मुसलमानों के द्वारा, उनका मार्मिक वर्णन किया गया है। अमर सिंह राठौड़, ये भी ऐतिहासिक नाटक है। बूढ़े मुंह मुहासे, ये प्रहसन है, इसमें किसानों की समस्या को आधार बनाया गया है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये भी क्या है, ये भी एक प्रहसन है और 1886 में ही ये भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये थे इनके नाटक। अब इनके उपन्यासों की बात कर लेते हैं। उपन्यास, इन्होंने कुछ अनुदित उपन्यास भी लिखे और कुछ मौलिक उपन्यास लिखे। इनके मौलिक उपन्यासों की बात मैं करती हूँ। एक तो इनका उपन्यास है बाल विधवा, बाल विधवा। दूसरा है विधवा विलाप, विधवा विलाप। इनका जावित्र, जावित्र। चौथा था अलकचंद, अलक चंद, जो क्या है, अपूर्ण है, ये सब पूरा नहीं कर पाए। तो ये क्या थे, ये इनके उपन्यास थे। और कुछ इन्हें उन्होंने लघु उपन्यास लिखे और इन लघु उपन्यासों को ये नवन्यास कहते थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये लघु उपन्यासों को, ये लघु उपन्यासों को नवन्यास कहते थे। लघु उपन्यासों को ये क्या कहते थे, ये लघु उपन्यासों को नवन्यास कहते थे। दो इनके लघु उपन्यास मिलते हैं, एक तो मिलता है सौदामिनी और दूसरा मिलता है कल्पलता। ठीक है, ये क्या थे, ये इनके लघु उपन्यास थे। अब इनके कुछ निबंधों की बात कर लेते हैं। वैसे तो इन्होंने बहुत से निबंध लिखे, परंतु कुछ निबंध ही मैं इसमें लिखूंगी। निबंध, एक तो है इनका मेरा संक्षिप्त जीवन परिचय। ये जो इनके निबंध थे वो इनके, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना मैं आपको भूल गई, वो भी बताऊंगी। मेरा संक्षिप्त जीवन परिचय, मेरा संक्षिप्त जीवन परिचय। दूसरा यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। तीसरा है नापित स्रोत, नापित स्रोत। मूषक स्रोत, मूषक स्रोत। रेलवे स्रोत, रेलवे स्रोत इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे ये कहाँ छपे थे, ये सारे के सारे निबंध या फिर इनके जो नाटक थे या फिर उपन्यास थे, वो इनके एक पत्रिका थी जिसका नाम था भारतेंदु।
संपादक ये कौन सी पत्रिका के थे? ये भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे। और ये भारतेंदु पत्रिका कहाँ से निकलती थी? जहाँ इनका जन्म हुआ, वृंदावन में, वृंदावन से ही निकलती थी ये। और ये पत्रिका कैसी थी? ये मासिक पत्रिका थी। तो भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे राधाचरण गोस्वामी। कहाँ से निकलती थी? वृंदावन से निकलती थी। कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। और कब निकलना शुरू हुई थी? 1883 ईस्वी में ये पत्रिका निकलना शुरू हुई थी। ये पत्रिका पहले जो है वो 1881 में इन्होंने लाहौर से निकालना शुरू किया था, परंतु एक साल बाद ही वहाँ उसे बंद करके फिर इन्होंने वृंदावन में इसे पुनः प्रकाशित किया। 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशन किया, परंतु ये पत्रिका जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। धन के अभाव के कारण ये पत्रिका केवल 3.5 वर्षों तक ही अपना काम कर पाई। धार्मिक पत्रिका का भी संपादन किया था, जिसका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रिका। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रिका, चंद्रिका ये क्या थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत बड़े उपासक थे। मान लीजिए इतने बड़े प्रशंसक थे कि भारतेंदु की तो पूजा ही किया करते थे। ठीक, भारतेंदु से प्रभावित होकर ही इन्होंने भारतेंदु पत्रिका का, भारतेंदु के नाम पर ही इस पत्रिका का नामकरण किया। और इनकी मैगजीन से, हरिश्चंद्र चंद्रिका से प्रभावित होकर ही चैतन्य चंद्रिका इसका नाम ये लिखते हैं। और ये कब प्रकाशित होना शुरू हुई थी? 1910 में। और फिर ये सब साहित्यिक योगदान देने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी 1925 में। 1925 ईस्वी में ये क्या है, इस संसार को छोड़कर के विदा हो जाते हैं। तो ये थे राधाचरण गोस्वामी। इनके निबंध, इनके नाटक, उपन्यास, काव्यकृतियाँ, इन सब की बात मैंने इस आज के व्याख्यान में की। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छूट गया होगा। तो आपको मेरा ये व्याख्यान कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता दिया करें। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।